ये जो गैबत के अंदर इमाम के माशाल्लाह अशआर पढ़े गए और यकीनन ये ज़ाहिर करबला भी हैं और उसी के वजूद की बरकत से खुदा हम सबको भी करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, वो जो गैबत है, जो हमारी गुफ्तगू है कि करबला मुकदमा ज़हूर है, वो कैसे हो? तो परवरदिगार जो है वो इम्तिहान लेता है। दुनिया, मैंने आपको अर्ज किया, इम्तिहानात और मुबतलात की जगह है, गिरफ्तारी की जगह है। और अव्वल मखलूक से परवरदिगार ने इम्तिहान लिया है, यानी हजरत आदम को खल्क किया, इम्तिहान लिया किस से? मलाइका से। मलाइका ने इम्तिहान कामयाबी दिया, मुकर्रब हो गए। इबलीस नाकाम हुआ, रद्द कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। मैंने आपकी खिदमत में ये किया है। बहरहाल आखिरी मजलिस है, तो खुलासतन अगराइज को अपने जम करूंगा कि खुतबे खासे में नहजो बलागा में इमाम ने इसको बयान किया है कि खुदा चाहता तो हजरत आदम को उस हालत के बजाय नूर की जो असल हकीकत थी उसमें पेश करता, और ऐसा पेश करता कि सारी निगाहें मबूत हो जाती मलाइका की, खुशबू ऐसी आती कि उस खुशबू से ये मुअत्तर रहते। मगर खुदा ने ऐसा नहीं किया, खुदा छुपा कर मजहूल रखकर इम्तिहान लेना चाहता था। ये खुदा का इम्तिहान है, खुदा ने कायनात को इसी निज़ाम के तहत बनाया, खुदा ने इसी इम्तिहानात को एक्सटेंड किया। जो हज़रत नूह का इम्तिहान लिया कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि कितनी लंबी तवील तबलीग, उसके बाद जब कहा गया कि अजाब आए और ये हम निजात हो निकले, तो कहा वो खजूर के बीज आए, कहा इसको बो, जब दरख्त बने फिर फल निकले, फिर हम अजाब देंगे। और एक को रिवायात कहती है 15 से 18 साल लगे एक दरख्त को, और ये जब फल आया फिर खुदा ने कहा फिर खाओ, फिर वो फिर, और ये सिलसिला 5 दफा रिपीट हुआ। क्यों रिपीट कर रहा है परवरदिगार? देख रहा है कि हजरत नूह के गिर्द जो लोग जमा हुए हैं वो कितने खालिस हैं। मशीयत इलाही है, सिर इलाही है, इम्तिहान इम्तिहान लिया थोड़े से लोग। ये सिलसिला कुरान बढ़ाता गया, यहां तक कि हजरत मूसा का इम्तिहान लिया परवरदिगार। हजरत मूसा पैगंबर है, उलुल अज़म पैगंबर है, लेकिन क्या कहा? कहा कि जानना है तो उसको तलाश करो, मुअल्लिम को तलाश करो। कुरान सूरह कहफ में इस वाक़े को जो है वो बयान करता है। क्या कहा, कितना तलाश किया? लफ्ज इस्तेमाल हुआ हुब का। असातीद कहते हैं कि कम से कम 80 साल, 80 साल कम से कम से ज्यादा भी हो सकते हैं। हजरत मूसा मुअल्लिम को ढूंढते रहे 80 साल। खुब ये जाहिर है, तशनगी हो तो आदमी उस्ताद ढूंढता है। हम आज जवान सवाल करता है कि हम अपने नफ्स की तरबियत कैसे करें, अपने आप को वक्त के इमाम के करीब कैसे करें, तो हमने कब अपने लिए ऐसे उस्तादों को ढूंढा है? ये हमारी तवज्जो भी है कि ऐसा उस्ताद भी हो, ऐसा कोई हमारे लिए कोई मुअल्लिम हो जो हमें हमारे नफ्स से पाक कर अपने इमाम तक लेके जाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, दुनिया के सारे सब्जेक्ट के लिए बेहतरीन उस्ताद ढूंढते हैं, हर चीज़ बेहतरीन होती है, चाहे दीनी मामले भी हों, फिक्र का अच्छा उस्ताद, उसूल का अच्छा उस्ताद, लेकिन नफ्स की तरबियत का उस्ताद कहाँ है?